कुत्ते की जात ही खाली है यहाँ पे, इंसानों की जात खाली हमारी आई है। तो भाई ये एक और लोकेशन हमारी ये केवाड़ी की साइड, तो आए फिर बोर्ड पे बैठ के आपको दिखाते हैं, आ जाओ मजा आएगा मजा। अस्सलाम वालेकुम, लोगो 420 में खुश आमदीद कहते हैं। तो गाइज आज आपको लग रहा होगा कि हम बहुत लेट नाइट आए, तो भाई बात तो सही है कि हम लेट नाइट आए। तो लेट नाइट आने का मकसद और वजह ये है कि आज हम अपने भाई के साथ और हमारे लाला हैं उनके साथ हम जा रहे हैं सॉन्ग शूट करने के लिए, तो उनसे भी आपसे बात करवाते हैं। तो वो सॉन्ग शूट ऐसा है कि लेट नाइट भी होता है और हमें फिर दिन के वक्त भी हो गया, वो आपको सब दिखाते हैं। अभी हम चाय के होटल पर ही बैठे हैं, चाय पियेंगे नाश्ता करेंगे, नाश्ता तो मिलेगा नहीं इतनी रात को, तकरीबन 4 बज रहे हैं। तो ये हमारे हैं लाइट मेन रूम भाई, ये हमारे लाला भाई और ये हमारे भाई, ये आ गया भाई, हमारा मेन्यू भी आ गया। अभी तो पेट पूजा करते हैं क्योंकि रात का भाई ने इवेंट किया, लाहौर से हमारे लाला भाई हैं तो वो अभी फुल थके हुए, पहले खाना खाएंगे फिर करेंगे। आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ तो आवाज़ इवेंट से वजह से बैठी है मेरी, अभी देखते हैं खाना खा के फिर आपको सॉन्ग शूट। हमारे सिंगर भी आए हैं उनसे भी मिलवाते हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या है क्या नहीं, तो आपसे मिलते हैं सॉन्ग के टाइम। ये अभी हमने नाश्ता कर लिया, ठीक है नाश्ते से मुराद हमने कुछ खाया पिया बस वही चीज़ है। तो बस अभी निकलने की तैयारी है हमारी, थोड़ी हमारे जो लाला भाई हैं हमारे इंतसाल भाई उनके लिए छालिया ले लेते हैं, सही है और फिर निकलते हैं। ये काम की छालिया भाई अंतली दे दो यार, 100 रुपये की बहुत। चलते अभी सफर में और सॉन्ग के शूट पे कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं कहाँ कहाँ नहीं, तो वापस मिलते हैं और रात भी बहुत हो रही है। ये हमारी आगे वाली गाड़ी में सॉन्ग शूट हो रहा है और ये हमारे लाला भाई ड्राइव करते हुए थोड़े काले नजर आ रहे हैं इसलिए कि रात बहुत हो गई है, तबीयत से अंदाज़ा लगा लिया, गले की तो वाट लगी पड़ी है। और आगे हमारा सॉन्ग शूट हो रहा है, हम इसलिए नहीं जा सकते कि वो गाड़ी अलग हम गाड़ी अलग, तो इसी तरह चलते रहें, हम भी आपको दिखाते जाएंगे। और जहाँ जा रहे हैं तो जगह से तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में तो सॉन्ग शूट भी हो रहा है। भाई हम रात ही रात एक और लोकेशन पर आ गए हैं, शायद आपको पता हो ये है हमारी लोकेशन, ये हमारे सारे लाला ये शूट हैं, ये हमारे शूटर जिनकी शूट है यानी गाने की, ये सारे तैयार होते हैं। तो हम बड़ी अंधेरी की जगह पे हैं, शायद आपको पता हो मेरी एक वीडियो है छाटी लेन की जहाँ चॉकलेट्स वगैरह थी, वही रात लेट नाइट हम आए हुए, कितनी खुशहाली हुई हुई है ना यानी बिल्कुल सन्नाटा है समझो, कुत्ते की जात ही खाली है यहाँ पे, इंसानों की जात खाली हमारी आई है, ऐसा सन्नाटे पड़े हुए हैं यहाँ पे, शायद आवाज़ आ रही हो और हम वाइट से येलो हो गए पूरे। और ये हमारे पीछे पूरी शूट की यानी चल रही है, पीछे हमारे आ रहे बंदे ये रहे, ये पीछे दो ही गाड़ियाँ हमारी हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है। ये हमारे शूट ही चली है सॉन्ग की, ये हमारे सारे भाई और ये जा रहे हमारे दो सिंगर साहब और ये चल लिए शूट ही, वेट वेट कट रोलिंग एक्शन ये सब कुछ है। चलो आहिस्ता आहिस्ता सुबह हो रही है, चांद बाबा चले जाएंगे अभी चारों तरफ सन्नाटे। ठीक है कट। तो गाइस ये सॉन्ग शूट हो रहा है हमारा, बहुत अच्छा नाइस सॉन्ग है वैसे भी, और तो एक ही हुई है लोकेशन और हम दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, थोड़ा लाउडली इसलिए नहीं बोल सकते
ताकि इनको सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो ना हो, ठीक है? तो तेरी लोकेशन हमारी यही है, ठीक है? हम दूसरी लोकेशन में मिलेंगे। तो भाई ये एक और लोकेशन हमारी, ये केवाड़ी की साइड। अर्ली मॉर्निंग हो गई हमारी और हमारी पीछे से शूट जारी है केमाड़ी की साइड पे। बहुत आला लोकेशन है ये, बहुत प्यारी फ्लिकर्स भी आ रहे हैं हमारे पीछे से, शायद ब्लास्ट हो रहा है इस वजह से, मगर लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत खुशी है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा लग रहा है और शूट भी बहुत अच्छा ही हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि दिल बाग बाग हो रहा है। गाइस अभी हम एक जगह पहुँचे, तो शायद आप गेस भी कर लोगे, अच्छा भी लग जाएगा, डायरेक्ट आपको दिखाएंगे। तो ये आपको दिखा रहे, इससे पता चल गया होगा कि हम लोग मनोड़े आए हुए और सेकेंड हमारी या थर्ड लोकेशन हमारी मनोड़े की है, और ये मनोड़ा पूरी कश्ती में बैठ के हम शूट करेंगे। और मनोड़े की मज़ा जहाँ पे यानी मज़ार जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोकेशन हमारी है। हमारे जो गाइस हैं पीछे, ये सारे कश्ती के बार्गेनिंग में लगे हुए हैं कि प्राइवेट करनी है, प्राइवेट करनी है, लोकल में हमें शूट करने की इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे लोकल में लोग बहुत होते हैं। आप वेट करें, हम भी बोट का वेट कर रहे हैं कि प्राइवेट कोई मिल जाए, जब तक हम आपको कश्तियों की मज़ा दिखा दें VIP। फाइनली बोट करा ही ली, ताकि वो प्राइवेट बोट हमने जनरल बोट नहीं करवाई, क्योंकि वो जनरल बोट ऐसी होती है कि पूरी दुनिया उसमें जाती है, तो रश बहुत है। तो ये भी हमारी प्राइवेट बोट ऐसी लग रही है, शादी भी मगर अभी ये सब कुछ हटेगा तो उसमें शूट करेंगे। तो आए फिर बोट में बैठ के आपको दिखाते हैं, आ जाओ मज़ा आएगा मज़ा। तो भाई अभी हम बोट पर बैठ गए, अभी आपको दिखाया था कि हमने बोट करवाई है ना, तो अभी हमारी बोट टर्न कर दिए। लाला बताओ ये बोट में लेके फाइनली आपने बोट करा ही नहीं, तो अब ये मुझे बताओ कि कैसा फील हो रहा है बोट में बैठ के? डर लग रहा है यार, अभी तो थोड़ा सा क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा सिक्सैक्टली हो रहा है कुछ, लेकिन सीरियसली अभी हम इंजॉय करने वाले हैं। नीचे बैठ फुल टाइम जबरदस्त सीन है अभी, तो सारा दिखाओ ये पूरा। अभी हम सारे बोट में दिखाते हैं, ये भी हमारे भाई शूट के साथ है, तो ये सारा पीछे की साइड है, और ये है हमारे जैसा कि हमारा आपको बताया था कि बीच है, आपको दिखाया अभी। अब ये हमारी लॉन्च है, ये लॉन्च का बच्चा और ये लॉन्च चलाने वाला ड्राइवर, सही है ये रहा। और बाकी ये हमारा सॉन्ग शूट हो रहा है, पर्दे की वैसे दिख रही है, आप देखिएगा ये सारे गिटार कैमरामैन लाइटमैन सब आ रहे हैं। तो ये हमारा सॉन्ग शूट है और ये हमारे बीच के बीच मनोड़े के। और दोस्तों अगर आप मनोड़े आओ ना, तो भाइयों प्राइवेट कश्ती बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर लोकल की ना, तो उसमें इतने बंदे होंगे, इतने ढूंसेंगे, मैं बता नहीं सकता, मगर प्राइवेट बहुत बेस्ट है। अकेले जाओ, अकेले आओ, मजामा VIP। और प्राइवेट कोई महंगी भी नहीं है, आपको हद से जितने मिसाले 8 बंदे हो, जितना आना जाना लगेगा उससे 1500-1000 रुपये ऊपर है। इसमें ये होता है कि आपको सुकून मिल जाता है, आधा घंटा घूम भी लेते हो पानी के अंदर ही, और घूम भी लेते हो, फिर मनोरम में चले जाते हो। बहुत अच्छी अच्छी लांचें भी हैं। भाइयों फाइनली हम मनोड़ा पहुंच ही गए, ये हमारी शिप कश्ती यानी ये यहाँ पे खड़ी रहेगी। हम मनोड़े पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा शूट करेंगे और थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे, फिर देन वापसी है। अब अंदर जाके शूट दिखाते हैं, और अभी यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कौन कौन क्या है, मगर यहाँ बर्फ़ की लादियाँ बहुत हैं। भाइयों कश्ती के बाद सुजुकी लाला हमारे साथ और हमारी पूरी टीम है सुजल। और लाला बताओ क्या चल रहा है, क्या चलने वाली है? अच्छा जो चल रहा है वो सुजुकी है, चलने वाली है, सॉरी जो चलने वाली है वो सुजुकी है, और हम पहुँचने वाले हैं मनोड़ा।
ये हमारे बंदे यानी हमारे जो सिंगर हैं उन्होंने सही बात कही कि मनोड़ा पहुंच गए, मनोड़ा के बीच पे अभी जाने वाले। लाला पॉइंट बी नोटेड, करेक्ट। यस यस सर, लाला बगे बोले बगे मुझे लाला बना रहा है और मैं तुझे बना रहा हूँ। बहुत बुरा आ रहा हूँ लाला, तुम बना दो मगर मुझे बहुत बुरा आ रहा हूँ। नहीं नहीं अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। पूरी बाकी है, पूरी टीम हमारी है, किसान बिल्कुल भी नहीं आता है। और लाला आप भी कुछ कहे तो हमारे ब्लॉग में। तो सीन ये कि अच्छा ऐसा बोला मेरा आवाज लाला की, यानी इंतजार हमारे। और क्या इसका यानी जो हमारा लाला का स्टूडियो है वो भैया स्टूडियो है, भैया स्टूडियो, भैया स्टूडियो का लिंक वन नंबर हम नीचे में लास्ट में देंगे, ताकि कोई भी काम हो कमर्शियल के हमारे लाला के पास। हम लोग अभी मनोड़ा बीच पे पहुंच गए, ये था हमारा मनोड़ा बीच पीछे। और यहाँ पे बहुत माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा है मनोड़ा, ये रहा फैमिलीज आई हुई हैं, बहुत साफ सुथरा बीच है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आपको आना है तो भाई सब कुछ प्राइवेट करके आइएगा या बाय रोड आइएगा, ऐसा ही है। और बहुत अच्छा, बहुत इंजॉयमेंट होगा इंशाल्लाह। भी मजार पे जा रहे हैं, सलामी देते हैं, सलामी के साथ फिर वहाँ पे थोड़ा शूट करते हैं, फिर आते हैं। ये हमारे जा रहे हैं गाइस, तो सारी टीम मेंबर जो शूट पे सिंगर हैं और आर्टिस्ट हैं, तो ये सब जा रहे हैं। ये हमारा मनोड़ा बीच, बहुत दिल अच्छा लग रहा है, मगर हमने सोचा था बहुत सर्दी होगी यहाँ पे, मगर गाइस यकीन मानो इतनी गर्मी है, शर्ट शर्टों से पता चल रहा है धूप की, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और पानी इंतहाई इतना साफ हो रहा है कि दिल कर रहा है कि अभी डुबकी मार जाएँ और अभी नहाने लग जाएँ, ऐसा साफ हो रहा है। और गाइस जब भी आओ ना सुबह के टाइम, शाम के टाइम नहीं, दोपहर के टाइम नहीं, भाई घर से निकल जाओ तकरीबन आप 5-6 बजे यहाँ पर आ जाओ आप जल्दी, तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। गाइस हमने मज़ार में सलामी दिया, हमारे बैक साइड में मज़ार है, और हल्के फुल्के शॉर्ट्स जो थोड़े बहुत यूज़ करने के थे वो किए, और मज़ार पे सलामी दे के मुँह हाथ धो के हम निकल आए। ये हमारी मज़ार है यूसुफ शाह बाबा, ठीक है। तो हम वहाँ से सलामी दे के निकल लें बीच पे, बीच पे हम थोड़ा शूट करेंगे, फिर वहाँ से देन को आउटसाइड, और आपको फिर बताते हैं दूसरी लोकेशन हमारी, थर्ड या फोर्थ लोकेशन हमारी कहाँ की। अभी हम बीच पे जा रहे हैं, आपको भी ले चलेंगे, मगर यकीन जाने बहुत पुरसकून माहौल है, पुरसकून जगह है और बहुत अच्छी जगह है। ये भी ये हमारे पीछे चीज़ें भी जो हर मज़ारत की दुकानों में मिलती हैं बाहर, ये यूसुफ शाह बाबा हमारे यानी इनकी मज़ार का नाम है हज़रत गाजी यूसुफ शाह मोदी, इनकी मज़ार का नाम है। तो आप भी आएँ और अपनी फैमिली को भी लेके आएँ, बहुत अच्छा बना हुआ है, माहौल बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ आएँ। अभी बीच पे चलते हैं गाइस, ये हम मनोड़े बीच पे आ गए, और रेत में थोड़ा चलना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, और पानी बहुत तेज़ी से लहर ऐसे आ रही है कोराक, ये शायद आवाज़ आपको आ रही हो शायद। तो ये शूटिंग भी हमारी हो रही है, और यकीन करें बहुत चलना मुश्किल हो रहा है। मैं तो चप्पल और जूते उतार के आया हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। अभी थोड़ा पानी की साइड चलते ताकि अब थोड़ा सुकून मिला चलने। चलो भाई मनोड़ा में भी ऊँट वूट आ गए, पहले नहीं होते थे यहाँ पे ये घोड़े ऊँट वगैरह, पानी बहुत तेज़ी में। तो भाई ये मनोड़े के बीच, ये रहा बहुत इंजॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, साथ ही साथ शूट भी चल रहा है हमारा,
बहुत अच्छा होता है भाइयों। मनोहर से हम फ्री हो के, शूट हमारा फ्री हो के, हम मजार सलाम वाली देखे सारे फ्री हो के, हम अभी टी टाइम आया हमारे लाला के पास, सब खर्चा लाला कर दें। नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये कर रहा है। नहीं भाई मैंने एक रुपया सच में रुपया नहीं दिया, व्लॉग में था है, मगर मैंने एक रुपया खर्चा नहीं किया, लाला के खर्चे पे मैं आया हूँ। अब लाला किसके खर्चे पे आया वो ऐसा खर्चा है। अभी हमारा लाला बोलता है भाई ऑर्डर दो, पहले भाई पहले इसको ऑर्डर देते हैं। भाई खाने में क्या क्या है? अंडा पराठा चाय हलवा पूरी है, तो सिर्फ चाय ला दे। अच्छी सी बनाइयो, तीखी एक तीखी कर दियो, बाकी अच्छी सी चीनी रूह अफजानी बनाई हो, रूह अफजानी बनाने ना। पाँच मीठा सही है, पाँच मीठा एक पीखा, मगर अच्छा सा होप सो की अच्छी चाय हो, और इसलिए बहुत थक गए हैं अभी बहुत। चाय की शदीद सर पे हमारे ऐसा लग रही है कि दिल गार्डन गार्डन नहीं हो रही है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रही है, ऐसा ही हो रही है। और हमारे जो सिंगर साहब हैं वो भी पूरे थक चुके हैं, ये रे हमारे कातिल भाई भी थक चुके हैं, और हमारे दूसरे सिंगर साहब वो आगे पीछे में खा रहे अमरूद लेने गए थे, शायद आपको दिख रहे हो वहाँ से। अब टी आ जाए, यानी हमारी बोली में बोले तो चाय आ जाए, तो देखें कैसी चाय। हमारी चाय आ गई बड़ी फटाफट। ये भाई चाय क्या बनाए जल्दी जल्दी, पानी तो मिक्स नहीं किया। अच्छा दादा देख लो पहले चल के, ये लग रहा है पानी मिक्स हुआ है, लंबा पानी तो नहीं है ना मामा? नहीं नहीं भाई, पीका कौन सा है? पीका ये रहा जो आपने भाई पीका भी लाया, ये देखो वापसी जा रहा है, बोल रहा है चाय बहुत अच्छा है, मगर मुझे शक्ल से लग रहा है लंबा पानी है। ये झोल वाली चाय अपनी जो झोल में बैठते हैं अपन, तो वो कौन सी अच्छी होती है? ये तो मुँह मुँह पे हाथों हाथ हाथों हाथ है भाई, ये कोई ना लिहाज ना मुदावत ना वीडियो, ये हाथों हाथ है मेरा भाई। यानी वो वाली चाय भी अच्छी नहीं होती? नहीं वो तो बिल्कुल ही बारीक होती है। तो फिर क्यों पीते हो चाय? वो तो भाइयों की मोहब्बत में हम आ जाते हैं वहाँ पर। यार मोहब्बत में आ जाते हो ये समझ आते हैं, मगर चाय क्यों पीते हो? कितनी पड़ती है भाई? यार ये समझ नहीं आया, आप लोगों को समझ आया कमेंट्स में बताओ कि लाला बोल रहा है कि वो भाइयों की मोहब्बत में आ जाते हैं मगर चाय पी लेते हैं, मगर आ जाते हैं वो सुबह चाय क्यों पीते हैं भाई, अच्छी नहीं है तो कमेंट्स में बताओ। मगर ये खुद ब खुद पकड़वा रहा है गाड़ी वाला, इतना स्पीड में जा रहा है, फरारी कर रहा है। मेरे ख्याल से गाड़ी को अपनी गाड़ी को फरारी समझ रहा है, ये बहुत मंड रहा है गाड़ी भाई। तो हमने अभी लाला की बात काट के मनोरा बीच को बाय बाय कह दिया, और अभी हम जा रहे हैं लॉन्च की तरफ, यानी कश्ती कहते हम कश्ती कश्ती तो कश्ती की तरफ जा रहे, तो वहाँ पे हम वो मजाक अभी तक नहीं समझा, नहीं समझे अभी तक तो अभी गाड़ी वाला बहुत पूरी तरीके से चला रहा है, तो अभी हमें वीडियो को थोड़ा ब्लॉक के आगे मिलते हैं। ये अभी हमारी वापसी की बोट आ गई है, जो हमने प्राइवेट करवाई हुई थी, तो ये वापसी की बोट आई है, इसको आने तो अभी इसको भी आने में 10 मिनट लग जाएंगे, इतनी सीट में मनोहर में 5 मिनट में आ जाएगी, मगर इतनी सी में 10 मिनट लगाया गई है। हमारी बोट जिसका वेट कर रहे थे हम बड़ी बेसब्री से, क्योंकि धूप ने हमारी तो गर्मी ने धूप तो हम नहीं कहेंगे गर्मी ने हमारी बैंड बजा दी है, तो और ऐसा लग रहा है कि काले काले हो रहे हैं। जितने हमने मेहनत की थी इंडोर में बैठ बैठ के, वो सारी मेहनत में तेल लग गया। और वापसी जाते हैं बोट में, तो बोट में दिखाते हैं आपको वापसी का मंजर कि पानी कितना साफ़ सुथरा है। हम अपनी बोट में बैठ चुके हैं, तो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है और सबसे कोने में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हम अपनी पिक्चर्स थोड़ी कलेक्शन करवाएंगे और थोड़ी इंजॉयमेंट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ का शूट तो हमारा हुआ ख़त्म, तो अभी हम थोड़ी दूसरी लोकेशन पर जाएँगे। तो भाइयों अभी हमारा मनोरथ से जाने का सीन है, तो ये हमारी
जाते हुए की वीडियो। वीडियो के साथ साथ हम कश्ती में सवार और यानी कश्ती और बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। और अब आगे की हमारी लोकेशन है, हम वहाँ जाके अब आपसे मिलेंगे। हो सकता है कि अभी वापसी में देखें कि मच्छी वच्छी या झींगे वगैरह कुछ मिल जाए खाने को, तो देखते हैं। फिलहाल तो हमारा फोटो शूट होता है, मैं आपसे भी शेयर करूँगा अपना फोटो शूट थोड़ा बहुत अगर हो सकेगा। लाला के स्टाइल में, लाला बोलेगा मैं नहीं बोलूँगा, यकीन करो कि मुझे छोड़ के सब इतना इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को भी। अभी तो ऐसी लुक लुक हो गई है अभी, लेकिन बाकी अब वापसी काटूंगा कश्ती हो रही है, करना चाहिए सब लोगों को, एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत मज़े का सीन है, बेहतरीन है। तो क्या क्या था, बहुत मज़े का सीन है। असल में मज़ा हमें इसलिए आया कि हमने प्राइवेट अपनी कश्ती करवाई है, अपनी प्राइवेट का, इसलिए हमें मज़ा बहुत आ रहा है। तो सीन भले दो थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाए, मगर सीन ऑन होता जब घूमने के लिए बंदा आए ना, तो ऐसा है कि अब VIP। तो अब हमारा स्टॉप आ गया है, तो लाला आगे की लोकेशन बाद में शेयर करें, क्योंकि उतरने में हमारी बाट लगने वाली है। यस, देखते रहो आगे, देखो क्या होता है। टी टाइम के बाद हम बैठे लंच टाइम में, और इतनी भूख लगी हम खाली वॉशरूम गए, लाला ने खाना मंगा के खा भी लिया, वो प्लेटें खाली हैं, वेट भी नहीं किया लाला ने। भाई ये रॉकस्टार भी बैठा हुआ साथ में भाई, भाई ये जो जगह है ना, भाई मैं भी बैठा हूँ, तो भाई लाला ने पूरा खाना खत्म कर लिया और हमें भी पूछे क्या खाओगे। देखो ये अभी भी खा रहे, ये नहीं हुआ अभी पूछ भी नहीं रहे यार, आगे को अभी पूछ रहे। ये भाई फुल चेन चल रहे हैं, हमारा वेट करना यार। हम लोग तो खाली यानी पेट खाली करने गए थे ताकि पेट भर सके, गरीबों ताकि हम गरीब ही है। तो अब दूसरा साल मंगा के खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं बाद में। लोकेशन तो अभी तक गई नहीं है, बताते हैं पेट पूजा कर लें फिर काम पूजा करेंगे। भाई हम लोग आगे सेकंड लास्ट लोकेशन पे, बहुत प्यारी लोकेशन है। तो शायद मैं आपसे बात अभी ना कर सकूं क्योंकि अब मेरे भाई चले गए वीडियो में, तो अब हमें और लाला है हमारे साथ, हमारा बेस्ट मैन। तो हम आपको थोड़ा दिखाते हैं फिर हम अपने काम पे जाएंगे। ओके डन। तो गाइस ये देखें, ये हमारी सेकंड लास्ट लोकेशन है कब्रिस्तान, ये शाही कब्रिस्तान है। हमारी सेकंड लास्ट लोकेशन पे शूट होनी है, तो ये हम शूट करेंगे विद लाला के साथ। तो थोड़ा कैमरा मेरा हम खोल दें और हम फिर आपको लास्ट लोकेशन में मिलेंगे। अभी रास्ते में बहुत मुश्किल है, थोड़ा हमें काम अभी करना है क्योंकि सूरज हमारे सर पे है और ये सन लाइट पे, फटाफट हमें काम निपटाना है। तो गाइस सेकंड लास्ट लोकेशन से हम लोग निकल चुके हैं और बहुत कच्चे रास्ते से, मेमन गोट से भी काफ़ी अंदर हम लोग गए थे। बहुत यही समझो जो बादशाहों के ज़माने की कब्रें होती है ना, उस ज़माने की कब्रें हम लोग वहाँ पर हमने जाके शूट किया। और लाला ने भरपूर अपनी एफर्ट दिखाई, हम लाला तकरीबन तीन रातों या चार रातों तो सोया नहीं है, इंतजार नामे लाहौर से आए डायरेक्ट काम पे लगे हुए, इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। और मैं तो सिर्फ दो रातों तो सोया नहीं हूँ, तो मेरी तो हालत तो बैंड है, शायद मेरी आंखों से मेरे पसीनों से पता चल रहा होगा, बहुत हालत टाइट है। बस आज का शूट बहुत अच्छा हुआ और अगेन लास्ट लोकेशन और बाकी है, मेरे ख्याल से दो लोकेशन, एक हमारा स्टूडियो है और अभी एक हमारी खेत, ये दो चीज़ें लोकेशन बाकी है। तो वहाँ पर भी चलेंगे और फिर आपसे गुड बाय करेंगे और फिर आपसे अगले व्लॉग में मिलेंगे। अभी के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे खेतों के लिए, ठीक है। लाला ड्राइविंग करते रहो। वापसी आज रात हो गई, आज आखिरी हमारी लोकेशन, लाला बिल्कुल आखिरी लोकेशन और इसके बाद घर के रवाना और व्लॉग भी ख़त्म। तो लाला क्या है? मेरे लिए क्या एक्सपीरियंस है, कैसा रहा मेरा ये आपके लिए, मैं कैसा रहा आपके लिए? बस ये तीन नींद में मैं समझ गया और मेरी हालत देख के पता चल रहा होगा मैं कैसा रहा। टाइम देख लो, टाइम देख लो, मगर पता लगा भाई को 24 घंटे हो गए और 24 घंटे में लगा था एनर्जी अभी भी पूरी है इसकी। बस कुछ लाला ने बातें समझाई वो समझ ली। तो लाला फिर मिलते हैं अलग अगले व्लॉग में, और लाभ इसके लिए पैकअप, थैंक यू।